रबड़ी आपको इंडिया के हर कोने में मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इंडिया की सबसे बेहतरीन लच्छेदार रबड़ी कैसे बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए मशीन वाले मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेडिशनल तरीके का भी, लेकिन फिर भी इस रबड़ी को तैयार होने में कोई 8 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कढ़ाई में इंडिया की सबसे स्वादिष्ट रबड़ी कितने सिंपल लेकिन कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से तैयार की जाती है। तो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए दूध के कैन मंगाए गए हैं। दूध के कैन यहाँ से लिए जा रहे हैं और ये डाले जा रहे हैं इस मशीन के अंदर, जहाँ पे दूध घूमता रहेगा और पकता रहेगा। और जो दूध यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो कोई गाय का दूध नहीं है, भैंस का दूध है, जिससे कि अपनी गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी तैयार हो। टोटल 75 लीटर दूध लिया जाएगा, जिसको कि यहाँ पे उबाला जाएगा और कोई आधे घंटे तक पकाया जाएगा। उसके बाद इस दूध को यहाँ से लिया जाएगा बाल्टियों में, जिसे फिर भेज दिया जाएगा कढ़ाई में रबड़ी बनाने के लिए। और आप ये देखिए कढ़ाई का साइज कितना बड़ा है, लगातार एक के बाद एक दूध से भरी हुई बाल्टियां देखिए इस कढ़ाई में उल्टी जा रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कढ़ाई में दूध थोड़ा सा ही आया है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है। जी हाँ, तो पूरा का पूरा 75 लीटर दूध अपना इस कढ़ाई में ले लिया जाएगा और यहाँ पे इसे कोई 20 से 25 मिनट पलटना चलाकर अच्छे से पकाया जाएगा। फिर देखिए जब इसके ऊपर मलाई आने लगेगी तो वो मलाई हल्की हल्की करके उतारी जाएगी और कढ़ाई के किनारे पर रखी जाती रहेगी। और ये जो प्रोसेस है अब अगले 5 घंटे चलने वाला है गाइस। कढ़ाई में दूध खोलता रहेगा और किनारे पर ये मलाई उतारी जाती रहेगी। और आप ये देखिए कढ़ाई जो है इनकी वो गहरी नहीं है, चपटी कढ़ाई है, तो उसकी वजह से इक्वल सारे दूध पे आंच लगती रहेगी और मोटी मलाई लगातार आती रहेगी। और जैसे ही मलाई आएगी वो किनारों पे अपनी इकट्ठी की जाती रहेगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, वैसा बना दिया है कढ़ाई को चारों तरफ मलाई लगा लगा कर। कोई 2 घंटे हो चुके हैं दूध को इसी तरीके से पकते पकते और मलाई उतरते उतरते। और अब जो ये मोटी वाली मलाई आई है इसे झरन से उतार के किनारों पे रखा जा रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कोई 2-2.5 घंटे दूध और पकेगा और इसी तरीके से मलाई उतार उतार के किनारों पर अपनी रखी जाती रहेगी। और ये जो मलाई किनारों पर रखी जा रही है ये भी नीचे से पकती रहेगी। तो जैसे जैसे पकती रहेगी इसका कलर भी आप देखिए गाढ़ा होता चला जाएगा, डार्क होता चला जाएगा। अब इसके अंदर चीनी डाली जा रही है। दूध 75 लीटर था लेकिन चीनी केवल 1 किलो डाली गई है, वो भी बीच में जो गाढ़ा दूध बचा है केवल उसके अंदर। साइड की मलाई अपनी फीकी ही है। अब चीनी देखिए इसमें अच्छे से मिलाई जा रही है और चीनी मिलाने के बाद कोई 3 घंटे के लिए कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ठंडा होने के लिए। अब देखिए रबड़ी अपनी ठंडी हो चुकी है, जम के टाइट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग की जाएगी और काटने के लिए जो पलटना है उससे लंबी लंबी लाइंस की जाएंगी। जो कढ़ाई के चारों तरफ अपनी मलाई की परत लगाई थी उसको पलटने से इस तरीके से पहले लंबा लंबा करके काटा जाएगा, उसके बाद फिर इसे दूसरी डायरेक्शन में काटा जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला जाएगा और उसे मिलाया जाएगा। उसके बाद जो अपने साइड में कटे हुए मलाई के पीसेस हैं वो रेक्टेंगुलर पीसेस देखिए यहाँ से निकाले जाएंगे और वो भी जो बीच में अपना एक गाढ़ा सा दूध है उसमें मिला दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये रबड़ी तैयार होती है। तो चलिए अब लेते हैं इसको और आपको टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। जो टेस्ट आ रहा है ना वो शब्दों में बयां किया नहीं जा सकता है, इतना बढ़िया आ रहा है। और एक ही रबड़ी में 2 टेक्सचर है। आप यहाँ पे देखिए ये जो मोटे वाली मलाई है इसका अलग टेस्ट आ रहा है और एक ही आपको गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा होगा साइड में, मतलब इतना मोटा नहीं है ये, इसका अलग टेस्ट आ रहा है। और 40 रुपए की 100 ग्राम है, टोटली वर्थ इट है। इंडिया की मेरी अभी तक की खाई हुई सबसे टेस्टी रबड़ी है ये। तो अगर आपको भी सबसे बढ़िया रबड़ी खानी है इंडिया में, आप इंदौर में आइए लक्ष्मी नारायण दूध वाले की पुरानी दुकान पर, यहाँ पे रबड़ी खा लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ये पसंद ना आए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।